नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में टाटा पावर की। जी हाँ, चर्चा में है और आपको बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत पैसे बनाए होंगे आपने। पर आपको याद होना चाहिए मैंने टाटा मोटर आपको कब दिया था। मैंने 60 रुपये के लेवल पे आपको 2 साल पहले टाटा मोटर चिल्ला चिल्ला के दिया था। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर में आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मौजूद है। टाटा मोटर्स आपको 60 रुपये का था, वो कहाँ से कहाँ चला गया, 500 रुपये के पार वो स्टॉक चला गया। टाटा पावर आपको कहा था ले लो आने वाला टाइम सीमेंट स्टॉक, सीमेंट का, स्टील का और पावर का। ये मेरी स्टेटमेंट थी जो पुराने व्यूअर्स से मुझे जानते हैं। ये नीचे की लाइन मैंने मार्क की हुई है 63 रुपीज़ के आसपास में, जहाँ मैं आपको कहता था लेने के लिए। अब टाटा पावर में क्या हो रहा है, क्या अब टाटा पावर वापस से 300 रुपये पार होगा या नहीं होगा, या 400 रुपये होगा नहीं होगा, 300 रुपये के आसपास तो गया। क्या टाटा पावर को हम अपने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से ट्रेड कर सकते थे, क्या ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर ने हमें एग्जैक्ट लेवल निकाल के दिए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है गाइस, कहीं भी जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट। आज के डेट में लोग स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, बट सही सेटअप उनके पास नहीं होता, सही स्टडी उनके पास नहीं होती। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आता, स्टॉक आइडेंटिफाई करना नहीं आता, फिर हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। जी नहीं, इस वीडियो में हम निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी कैसा परफॉर्म करने वाली है, क्या निफ्टी भी हमारी तरह ही चली जैसा हमने सोचा था, क्या हमारे कैलकुलेटर ने उसको भी प्रेडिक्ट किया था, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहे और कल हम बैंक निफ्टी में पोजीशंस कैसे बना सकते हैं, क्या करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर है कि दिस इज प्योरली प्योरली एन एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो, तो प्लीज अपने ट्रेड अपना एनालिसिस करने के बाद ही लीजिएगा। मेरे दिए गए लेवल्स पे ट्रेड करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। थोड़ा सा गला खराब है, जैसे मैंने आपको कहा है कि आई एम फेसिंग द वेदर चेंज इन दिल्ली, सो इट्स वेरी हॉट आउट हियर, सो काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर माय बैड थ्रॉट टुडे। सो लेट्स प्रोसीड एंड फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मार्क दीज लेवल्स एंड लेट द मेक दिस वीडियो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहला मैंने लेवल मार्क किया 254 का। आप देख सकते हैं कि 254 का अपर रेंज ब्रेक नहीं हो रही थी और जो लोअर रेंज थी वो हमारी थी 200 के आसपास की, जो इसने बार बार मल्टी टाइम्स बॉटम हिट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा एक बॉटम यहाँ बना था, एक बॉटम यहाँ बना था, थर्ड टाइम इस बॉटम को इसने टेस्ट किया था और इतनी ही बार इसने इस रेजिस्टेंस को भी टेस्ट किया था जो बाजार बार 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 इसी रेंज में फंसा हुआ था। जब ये रेंज ब्रेकआउट हुई, रेंज ब्रेकआउट तो सब जानते हैं, सबको मालूम है रेंज ब्रेकआउट होती है, बट रेंज ब्रेकआउट क्यों होगी टाटा पावर के ऊपर, मैं पहले भी आपको वीडियो दे चुका हूँ, तो प्लीज़ जाके टाटा पावर की वीडियो को देखना ताकि आपको समझ में आए कि मैं इसके लिए बुलिश क्यों था। और आज ये 300 रुपये के आसपास हाई लगा के वापस 289 पे जो क्लोजिंग हुई है, ये सब प्राइसिंग, क्या आपके पास ये प्राइसेस थे या नहीं थे, ये समझने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए सबसे पहले हम टीटीसी के लेवल को देखते हैं और देखते हैं बाजार के लेवल क्या है। टीटीसी अब कहता है कि 289 का हमारा ब्रेकआउट लेवल है, दिस इज द रेजिस्टेंस। नाउ 240 के आसपास वो बहुत टाइम से रुका हुआ था, 256 के आसपास जैसे ही उसने क्रॉस किया 272 का हाई लगाया। जी हाँ, कल की क्लोजिंग अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कल की क्लोजिंग 273 के आसपास थी, बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस था, उससे पहले 256 का हाई लगने वाला था, 253 का हाई लगा था, और जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 272 का, और आज की मार्केट क्लोजिंग एग्जैक्ट 289 पे, 296 के आसपास का हाई लगा, 306 को क्रॉस नहीं किया। तो क्या क्रॉस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। टाटा पावर में अब पब्लिक बैठने लगी है, कैसे पता हमको टाटा पब्लिक बैठने लगी है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं एनएससी के ऊपर, जहां पे हमको ट्रस्ट आएगा कि हाँ ये डेटा ऑथेंटिक है या नहीं है। आप देखिए पिछले 2 दिन में अगर हम 4 अप्रैल और 5 अप्रैल के डेटा को एनालिसिस करने की कोशिश करें, या एक दिन पहले भी चले जाएं, तो आपको समझ में आएगा जहां पे नॉर्मल डिलीवरी जो 40-50 लाख के आसपास में हो रही थी, वो डिलीवरी ऑल ऑफ अ सडन 81 लाख, 1 करोड़ शेयर्स, 1 करोड़ 74 करोड़ शेयर्स, मतलब ये डिलीवरी ऑलमोस्ट परसेंटेज वाइज वही 20-30% है। लोग परसेंटेज में ब्लफ करते हैं कि यह 20-30% की स्टैंडर्ड डिलीवरी, क्या फर्क पड़ता है। बट अगर मान लीजिए पार्टिसिपेशन, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है 2.5 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, मतलब लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन हो रहा है, वॉल्यूम जनरेट हो रही है। वॉल्यूम किसी शेयर में क्यों जनरेट होती है, वो भी इतने हैवी वेट स्टॉक के अंदर में, क्योंकि किसी को पता है कि हाँ कहीं ना कहीं इस स्टॉक में कुछ तो है, कुछ तो होने वाला है। अभी अभी एनसीएलटी से सीजी पावर का भी इसमें विलय हो गया है, इसमें जो मर्जर का अप्रूवल एनसीएलटी से इसको आ गया है, तो ये भी एक शेयर के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देश के दिग्गज कंपनियों में से टाटा पावर है, मजाक नहीं है, देश को 2 ही कंपनी चलाती है पावर के मामले में, एक अदानी पावर, एक टाटा पावर, ठीक है। तो अदानी पावर आधे देश को सप्लाई करती है और अदानी पावर के स्टॉक को भी बहुत जबरदस्त लाइमलाइट में इसमें देखा जा रहा है, क्या वो स्टॉक भी आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दूंगा, इसके ऊपर मैं कुछ डेटा रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत जल्दी इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। और यहाँ पे ये डेटा हमें साफ साफ कह रहा है कि भैया कोई घर पे माल लेके जा रहा है। अगर मान लीजिए 240, 250, 270 के भाव पे अगर कोई माल लेके जा रहा है, तो क्या ये लोग 20-30 रुपए पे ट्रेडिंग करके निकल जाएंगे?
नहीं, दीज आर दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये स्मार्ट प्लेयर्स हैं, FIs हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये लोग इतनी आसानी से नहीं निकलने वाले। तो मेरे हिसाब से इनके जो टारगेट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। और यहाँ पे इसको देखने की कोशिश करें कि चार्ट क्या कह रहा है, अब क्या साउंड में आता है। तो यहाँ पे इस रेंज को अगर दिखाया जाए कि अगर इस फ्लैग पैटर्न को दिखाया, तो लोग कहते हैं, है ना, लोग कहते हैं कि एनालिसिस में सब कुछ सही नहीं होता, बट हाँ सब कुछ गलत भी नहीं होता। अगर मैं इसको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न को समझ लूँ, तो ये जो लेंथ है, मतलब 127 रुपीज से 254 रुपीज, मतलब मोटा मोटा 130 रुपीज का इसमें एक ब्रेक आया था, मतलब यहाँ से 130 रुपीज की चाल थी। तो कहा जाता है कि यहाँ से जब ये स्टॉक चलेगा तो फर्दर ये एग्जैक्ट पोजिशंस आपको मिल सकती है। तो यहाँ से अगर देखें तो अगर ये लोग पोजिशन हमको वापस मिलती है, तो यहाँ से क्या 130 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट इसमें, क्या 400 रुपीज़ का टारगेट आ सकते हैं? जी हाँ आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दिस इज स्टॉक मार्केट, दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो लेट अस फाइंड आउट कि हमारे क्या है कल की जो हमारी क्लोजिंग थी। अगर कल की क्लोजिंग की हम बात करने की कोशिश करें, देखिए अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो हम देख लेते हैं। अगर ये कल की क्लोजिंग थी, हमारी हाई था 275 का, क्लोजिंग 273 की, हमारे पास एक टारगेट था 272 का, क्योंकि नीचे से बाजार चल रहा था। उसके पहले 256 ही मैंने आपसे बात की। ये देखिए लेवल, अगर पिछली दिन की कैंडल पे जाऊंगा तो हाई हमारा 253 का था, तो 253 का था, ये हमारा एक ब्रेकआउट था 256 के ऊपर, ब्रेकआउट 272 एंड 289 जहां आज की एग्जैक्ट क्लोजिंग है। अब देखना होगा, बाजार 306 रुपये को क्रॉस नहीं किया, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती तो वापस से 290 के आसपास हम खड़े हैं, 270 के आसपास अगर दोबारा कभी मिलता है तो हम इसमें री एंट्री का बहुत बढ़िया मौका रहने वाला है यहाँ पे। नहीं तो हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस को है वो ट्रेल कर सकते हैं 272 के आसपास में, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और जब 290 के ऊपर जाकर 306 को क्रॉस करता है, तो अपने स्टॉप लॉस को 272 से बढ़ा के हम उसको करके 289 पे कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है एक विनिंग स्टॉक को कैरी करने के लिए। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने विनिंग स्टॉक को कैरी करते हैं गाइस। वो 10-15-20% लेके खुश नहीं होते, 2-4-10 रुपए की ट्रेडिंग करके खुश नहीं होते कि एक लॉट लिया 5 रुपए में बेचा, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, मजा आ गया। नहीं, दे होल्ड देयर विनिंग स्टॉक्स। मैं भी अपने विनिंग स्टॉक्स को होल्ड करता हूँ, अपने क्वालिटी स्टॉक्स को कभी भी सेल नहीं करता हूँ लॉसेज में। सील अथॉरिटी की मैंने आपसे बात की, सील अथॉरिटी कहाँ पर दिया था, 85 रुपीज़ में आपको कहा ले लीजिए, आज 111 रुपये सील अथॉरिटी हो गया। टाटा मोटर्स, अब नेक्स्ट नंबर मुझे टाटा मोटर का लग रहा है, जो एक टाटा मोटर के अंदर मुझे लग रहा है कि फिर से एक ब्रेकआउट होने की पूरी पूरी संभावना है। गुजरात गैस मैंने आपको कहा वो चल गया, टाटा मोटर्स में एक मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है। तो अगर टाटा मोटर्स को मैं होल्ड करने की कोशिश करूँ, तो मेरे ख्याल से 440 के स्टॉप लॉस के साथ में मैं टाटा मोटर को होल्ड करने की कोशिश करूँगा, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ लगाऊंगा और मैं इसको कैरी करूँगा। और जिस दिन ये स्टॉक पिछले हाई को क्रॉस करेगा, समझ लीजिए, तो मान लीजिए कि ये स्टॉक 700-800 रुपये पे चला जाए, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जिन दिनों पे टाटा के पास में इंडिका जैसी कार हुआ करती थी, वहाँ पे टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस क्या होता था और आज का शेयर का प्राइस क्या है। तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। देखते हैं निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, और कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी दिल्ली की क्लास 24 अप्रैल की है। जो भी एनालिसिस सीखना चाहता है, जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहता है, मैं आपको बोल दूं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं और आप सोच रहे हैं बाजार से पैसा बनाना है, तो आपको बाजार आना ही चाहिए, आपको सीखना ही पड़ेगा। थोड़ी सी फीस आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने सीखने पे, उसके बाद बाजार में पैसा लगाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। क्योंकि सीख के समझ के पेशेंस से लर्निंग के बाद जब आप बाजार को ट्रेड करते हैं तो आपका डर निकल जाता है, और मैं हमेशा से कहता हूँ डरना मना है। चलिए देखते हैं बाजार के आज के लेवल क्या रहे। 17,861 के आसपास में निफ्टी बंद हुई है, और इसका लो अगर देखें 17,837 के आसपास रहा। तो अगर हम बात करें निफ्टी की, जो निफ्टी हमारे सामने कल, हमें जो लेवल हमारे सामने निकल के आ रहे थे वो लेवल क्या थे वो देख लीजिए। हमने कल कहा था 17,956 के नीचे में निफ्टी विल टेस्ट 17,822, क्या आपको कहा था या नहीं कहा था, कल की वीडियो जाके जरूर देखिएगा, ये मैंने आपको बहुत क्लियरली कह दिया था। और आज की निफ्टी की क्लोजिंग क्या रही है, आज के लो रहा है 17,837। गाइस हु कैन बी सच क्लोज, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आई गो क्लोज एज 95%। तो मतलब अगर मैं 822 की बात कर रहा हूँ, 837 आ रहा है, तो इतना तो हम मुझे एक्सक्यूज कर सकते हैं। लुक एट दिस कैंडल गाइस, लुक एट दिस कैंडल, आप अपने टर्मिनल पे भी चेक कर सकते हैं, आज का लो रहा 837 का, मतलब बेसिकली जब 822 को क्रॉस नहीं किया तो मैं, अब अगर मुझे निफ्टी में कोई बायबैक दिखता है या बाउंस बैक दिखता है तो वो मुझे देखना होगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में। चलिए चल के देखते हैं कि आखिरी 15 मिनट कोई खेल हुआ क्या। जी नहीं, आखिरी 15 मिनट में भी बाजार एक साइडवेज रेंज में ही रहा है, एक कंसोलिडेशन में ही रहा है। तो देखना पड़ेगा 17,822 अगर टूटता है तो हम इसमें फर्दर एक सेल आउट देख सकते हैं। अभी कोई बाउंस बैक का चांस मुझे नहीं दिख रहा है, जिसका मुझे डर है, जो होना भी चाहिए। बाजार कोई भी गैप को छोड़ के नहीं चलता, तो ये गैप फिल हो सकता है, उसके बाद बाजार एक नई चाल बना सकता है। तो 17,822 देखना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, अगर ये होल्ड होता है ठीक है, नहीं तो 17,690 के आसपास में री एंट्री का मौका हम यहां तलाशने की कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। तो
अब अगर हम देखें बैंक निफ्टी की अगर बात करने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी का जो आज का लो रहा 37,643 का रहा, और हम बहुत ही क्लियर थे कि बैंक निफ्टी के लो क्या हो सकते हैं, 38,025 का कल आपको लेवल दिया था, अगर ये टूटती है तो कम से कम दो टारगेट्स आपको टीटीसी से देखने को मिलते हैं, 37,636 सेकंड टारगेट, और आज का लो कह रहा 37,643, इतना क्लोज, इतना डेडली क्लोज कोई हो सकता है गाइस, मैं ट्रस्ट करता हूँ इस पर, क्योंकि ये मैंने बनाया है, कहीं से कॉपी नहीं किया है, खुद की कैलकुलेशन है, रिसर्च है, 20 साल से बाजार के अंदर में बहुत पैसा बाजार को दिया है, बहुत लॉसेस खाए हैं। आज की क्लासेस में जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, एक दिन में वो चीज़ सिखा देता हूँ जो लोगों को सालों साल में समझ भी नहीं आता, ट्रेड कहाँ लें, क्यों लें, लूजिंग स्टॉक को कैसे होल्ड करना है, लूजिंग स्टॉक को विनिंग स्टॉक में कैसे कन्वर्ट करना है, विनिंग स्टॉक को कहां तक लेके जाना, दीज आर द थिंग्स विच आई टीच इन माय क्लास। सो मास्टर क्लास इज डिजाइन इन सच अ वे कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लग जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपका डर निकल जाता है, और आप बाजार से मजे मजे में पैसा बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए बाजार में लेना कहाँ है, क्या लेना है, क्यों लेना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं ये टूल आपको मिले, मेरी स्टडी आपको मिले, तो 24 अप्रैल की दिल्ली क्लास है, और बाकी क्लासेस आने वाले टाइम में आपको अनाउंस कर ही दी जाएंगी, उसके लिए डिटेल के लिए आपको मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, डिटेल लीजिए। और अगर आप ये कैलकुलेटर फ्री में चाहते हैं, अगर आप ये कैलकुलेटर फ्री में चाहते हैं जिसकी फीस एक साल की 17,700 रुपए है, तो दो तरीके हैं, या तो क्लास लीजिए, क्लास के बाद आपको फ्री मिलने वाला है, ट्रायल लेना है तो ट्रायल एक महीने का 5,900 रुपए, बहुत महंगा है, जी हाँ बिल्कुल महंगा, ट्रायल सस्ता नहीं होगी, अच्छी चीज है, ठीक है। पर अगर आपको वही चीज फ्री में भी चाहिए, तो दो तरीके हैं, नहीं तो क्लास है, दूसरा है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट ब्रोकर के लिंक मैंने दी, जिसमें मास्टर कैपिटल सबसे ऊपर में है, फिर आपके पास में ज़ीरोधा मिलेगा, अपस्टॉक्स मिलेगा, और बहुत अच्छे ब्रोकर्स के लिंक आपको मिलेंगे, किसी भी के साथ में, एक के साथ आपको लिंक खोलना होगा, अपना अकाउंट खोलना होगा, और आपको हमें प्रूफ भेजना होगा, साथ में आपको उस अकाउंट में एक्टिव भी रहना होगा, मतलब जो आप ट्रेडिंग कहीं और करते हैं वो ट्रेडिंग आपको यहाँ पे करनी होगी, आपको एक एसोसिएशन बनानी होगी, आपको हमारी फैमिली के साथ जुड़ना होगा, जी हाँ यही एक तरीका गिव एंड टेक का, आप मुझे कुछ दीजिए मैं आपको कुछ देता हूँ, आप ट्रेडिंग तो कहीं करते ही हैं, तो अगर आप वो ट्रेडिंग अगर आप हमारे अकाउंट से करते हैं तो आपको इस कैलकुलेटर का एक्सेस हर महीने फ्री मिलेगा, जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक आपको ये कैलकुलेटर फ्री एक्टिव रहेगा आपके साथ में, तो इट्स अ फेयर डील, गिव एंड टेक है, बिल्कुल बराबर का हिस्सा है ना, आई होप ये डील आपको समझ में आएगी, पसंद आएगी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।